بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our plant systematics class. We were discussing phylogenetic systems, if you remember. उसमें हमने मुख्तलिफ सिस्टम्स देखे थे और आखिर में हमने तख्ताजान का सिस्टम देखा था. अब उसी सिस्टम को हम थोड़ी सी डिटेल के साथ, जिसमें हम कुछ हिस्ट्री उसकी देखेंगे तख्ताजान की, उसने अपनी क्लासिफिकेशन कैसे की मुख्तसर तौर पे, और उसके साथ साथ तख्ताजान ने अपनी क्लासिफिकेशन में किन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखा, या जिनको हम टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स कहते हैं, वो कैरेक्टर्स जो कि टैक्सोनॉमी में इस्तेमाल होती हैं, तो वो कौन कौन से उसने इस्तेमाल किए. तख्ताजान के सिस्टम के मेरिट्स क्या थे, यानी खूबियाँ क्या थीं, और डिमेरिट्स वो चीज़ें जो कि उसके सिस्टम में नहीं होनी चाहिए थी. तो हम इब्तिदा करते हैं उसके हिस्ट्री और उसकी क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो उसने अपना एक नज़रिया इस्तेमाल किया. तो कुछ बातें हम स्लाइड्स में भी देख चुके हैं. ये वो वर्ड की फाइल है जिसमें तख्ताजान सिस्टम थोड़ा सा डिटेल से है, अगर एक्चुअल सिस्टम जो उसकी क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे बहुत मुख्तसर है, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी डिटेल से हैं. तो तख्ताजान ने, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम 1954 में उसने पेश किया था, और बाद में ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ 1958 में. उसका जो आखिरी क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो उसने डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के नाम से ही आपके सामने है, 1997 में उसने पब्लिश किया. तख्ताजान का सिस्टम जो है, ज़ाहिर है कि जब भी कोई साइंटिस्ट आता है तो उससे पहले जिन लोगों ने काम किया होता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि ज़ाहिर है वो बॉटनिस्ट या वो टैक्सोनॉमिस्ट या वो साइंटिस्ट अपने से पहले वाले लोगों से किसी न किसी से वो मुतासर होते हैं. तो तख्ताजान का सिस्टम भी, ये जो हमने देखा था हंस हेलियर, बेस्से और हचिनसन, तो ये वही तीन मशहूर टैक्सोनॉमिस्ट हैं जो तख्ताजान से पहले गुजरे हैं. तो तख्ताजान का जो सिस्टम है वो किसी हद तक इन लोगों के सिस्टम पे बेस करता है. अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसकी क्लासिफिकेशन में, और पहली बात ये है कि उसने जो क्लासिफिकेशन की, तो ये उसके आगे डिमेरिट्स में भी ये बात आएगी कि तख्ताजान ने अपनी क्लासिफिकेशन में फैमिली तक क्लासिफाई किया, फैमिली से आगे बोलने के, यानी जनरा और स्पीशी उसकी क्लासिफिकेशन में नहीं है. और जो बात हमने वहाँ भी पढ़ी थी, अब ज़रा थोड़ी डिटेल से है कि अपनी क्लासिफिकेशन में उसने बहुत सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखा, जिसमें आप देख रहे हैं एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, पेलिनोलॉजी, ये पोलन ग्रेन की साइंस है, वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी और फ्लोरल मॉर्फोलॉजी. वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आप जानते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, इनको भी, और फ्लोरल मॉर्फोलॉजी को भी. इसके अलावा उसने केमिकल फीचर्स को भी मद्देनज़र रखा, और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पौधे कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, क्या होता है, तो ये चीज़ें उसने इस्तेमाल की अपने क्लासिफिकेशन में. जब उसने ऑर्डर्स और फैमिली बनाई तो उनकी डिलिमिटेशन और सरकमस्क्रिप्शन हम कहते हैं हदूद, यानी जब आप एक फैमिली की हद मुकर्रर करते हैं तो एक ख़ास कैरेक्टर्स के अंदर आप उसको रखते हैं. तो चूँकि उसने अपनी क्लासिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा, तो इसकी क्लासिफिकेशन एक अच्छा फाइलोजेनेटिक सिस्टम था. फिर उसके ख्याल में एंजियोस्पर्म जो थे वो मानोफाइलेटिक का मतलब ये है कि तख्ताजान का ये ख्याल था, या वो इस नज़रिए का हामी था, कि जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं
वो एक ही एंसेस्टर से आए हैं, यानी वो एक ही एंसेस्टर्स के डिसेंडेंट्स हैं। और उसका ख्याल था कि ये जो कदीम पुराने जिम्नोस्पर्म्स हैं, जो कि आजकल नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उन जिम्नोस्पर्म्स का नाम है बेनिटाइटेलीज। तो तख्ताजान का यह ख्याल था कि एंजियोस्पर्म जो है वो बेनिटाइटेलीज की तरह जिम्नोस्पर्म के किसी ग्रुप से, यानी उनका से इवाल्व हुए हैं, यानी उनका जो एंसेस्टर है वो जिम्नोस्पर्म हो सकते हैं, और ख़ासतौर पर वो जिम्नोस्पर्म्स जो कि एक्सटिंक्ट ग्रुप बेनिटाइटेलीज की तरह शायद के हों या होंगे। जो इसने क्लासिफिकेशन की तो उसमें जो आर्डर इसने रखा मैग्नोलियलीज, इसके ख्याल में ये आर्डर जो है वो सबसे प्रिमेटिव है, कदीम तरीन है, और बाकी एंजियोस्पर्म जो है इसी से पैदा हुए, ये पहले पहले आया है, और इसी से फिर एंजियोस्पर्म्स के मुख्तलिफ शाखें निकली हैं। उसके ख्याल में मोनोकॉट जो हैं वो एक्वेटिक ऑरिजन है, निम्फियलीज एक आर्डर है इसका मोनोकॉट का जो कि एक्वेटिक है, और एलिजमेटेलीज उसका ख्याल था ये इनसे, लेकिन बाद में उसने अपने इस नज़रिए में थोड़ी सी रद्दबदल की, और उसका ख्याल था कि एलिजमेटेलीज जो है वो मोनोकॉट की एक साइड ब्रांच है, और किसी फर्जी हाइपोथेटिकल टेरेस्ट्रियल हर्बेशियस ग्रुप मैग्नोलिडी उससे निम्फियलीज और एलिजमेटेलीज पैदा हुए, एंड द मेन मोनोकॉट है टेरेस्ट्रियल ऑरिजन। तो बाद में उसने अपना नज़रिया बदल दिया कि मोनोकॉट जो हैं वो टेरेस्ट्रियल ऑरिजन के हैं बजाय एक्वेटिक ऑरिजन के। अब जो क्राइटेरिया, जो मायार, जो कैरेक्टर्स तख्ताजान ने अपने सिस्टम में रखे वो ये थे कि अब उसमें उसने प्रिमेटिव और एडवांस कैरेक्टर्स का जिक्र किया है कि कौन से कैरेक्टर्स के ख्याल में प्रिमेटिव थे, कदीम हैं, और कौन से एडवांस हैं या नए हैं। तो वुडी प्लांट्स उसके ख्याल में प्रिमेटिव हैं, और जो हर्बेशियस आजकल के पौधे हैं वो उसके नज़रिए के मुताबिक वो एडवांस हैं। सिंपल लीफ जिनमें मार्जिन एंटायर हो और वीनेशन पिनेट हो, उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी, तो वो कैरेक्टर उसके ख्याल में प्रिमेटिव हैं, जबकि पामेटली लोब्ड और कंपाउंड लीफ वो एडवांस है। इस तरह पिनेट विनेशन पामेट विनेशन से प्रिमेटिव है, और पैरेलल विनेशन सबसे एडवांस है। अल्टरनेट लीफ अरेंजमेंट प्रिमेटिव है, और अपोजिट और वर्ल जो है वो एडवांस है। स्टोमेटा और स्टोमेटा के साथ जो सब्सिडरी सेल्स होते हैं वो प्रिमेटिव हैं। सब्सिडरी सेल्स क्या होती हैं, स्टोमेटा क्या होते हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत इल्म होगा। स्टोमेटा लीव्स के लीव्स में छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनसे गैसियस एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन और दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें सब्सिडरी सेल उनके साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो इनको इंशाल्लाह आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे जब आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो सब्सिडरी सेल वाले वो कहते हैं स्टोमेटा प्रिमेटिव हैं, और जो जिनमें सब्सिडरी सेल्स नहीं पाए जाते वो एडवांस हैं। सॉलिटरी और टर्मिनल फ्लावर को वो प्रिमेटिव कहते हैं। साइमोस इनफ्लोरेसेंस वो कहते हैं ज़्यादा प्रिमेटिव है। रेसिमोस वो कहते हैं कि एडवांस है। जिनका फ्लावर्स का फ्लोरल एक्सेस बड़ा हो, लंबा हो, और उसमें जो फ्लोरल पार्ट्स जो हैं फ्लावर के वो इनडेफिनेट हों, वेरिएबल नंबर, ये प्रिमेटिव कैरेक्टर है। उसके ख्याल में छोटा फ्लोरल एक्सेस जो है वो एडवांस कंडीशन है, और साइकिलिक अरेंजमेंट वो एडवांस है। वो कहता है कि प्रिमेटिव जो स्टेमन थे वो लीफ लाइक थे, उसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया थे, उनमें फिलामेंट कनेक्टिव नहीं थे, लेकिन आजकल के जो स्टेमन्स हैं वो एडवांस हैं। एबेक्सियल टाइप एक्सट्रोज या एडेक्सियल टाइप इंट्रोज ऑफ एंथर डिहेसेंस, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पीछे, उम्मीद आपको याद होगा। मोनोकल्पेट पोलन ग्रेन प्रिमेटिव हैं। ट्राइकल्पेट ये उनके ऊपर जो वो स्कल्पिंग होती है और उसमें जर्म पोर्स वगैरह जो होते हैं, तो मोनोकल्पेट जिसमें सिंगल होता है, ट्राई तीन होते हैं, तो मानो वाले प्रिमेटिव हैं, ट्राई वाले एडवांस हैं। एग्जाइंस जिनके ऊपर नक्शो नगार हो,
पोलन ग्रेन की सेल वाल के ऊपर बाहर, तो उसको वो एडवांस कहता है, और जिनके ऊपर स्कल्पचरिंग न हो, साफ सुथरे हों, तो वो प्रिमिटिव हैं। कार्पल जो कि फ्री हों, ओव्यूल ज़्यादा हों, तो वो इसके ख्याल में प्रिमिटिव हैं, जबकि कार्पल्स की यूनियन और सिन कार्पस कंडीशन जो है वो एडवांस है। ओव्यूल्स जिसमें दो ये हों, इनर और आउटर, यानी बाई टैग में टैगमिक, तो वो जो हैं प्रिमिटिव हैं, यूनिटैगमिक वो एडवांस हैं, और यूनिटैगमिक उसके ख्याल में ऐसे बने कि वो दोनों लेयर्स आपस में मिल गए। एनाट्रापस ओव्यूल जो कि इन्वर्टेड होता है, ये बेसिक है, और इसी से दूसरे ओव्यूल्स बने हैं। प्रिमिटिव फीमेल गैमेटोफाइट मोनोस्पोरिक था, एट न्यूक्लिएट, ये अभी हमने एम्ब्रियोलॉजी नहीं पढ़ी थी, उसमें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, जबकि टेट्रास्पोरिक वो कहते हैं कि वो एडवांस है। पोरोगैमी प्रिमिटिव कंडीशन है, मीजोगैमी क्लाजोगैमी और एडवांस कंडीशंस, ये भी डेवलपमेंट के साथ है, इंशाल्लाह वहाँ पे हम इसको तफसील से पढ़ेंगे। प्रिमिटिव सीड छोटे साइड का साइज का था, और बड़े साइज के सीड जो है वो उससे इवाल्व हो गए हैं। प्रिमिटिव सीड्स जो है उनमें एंडोस्पर्म ज़्यादा था, और एम्ब्रियो जो छोटा और अनडिफ्रेंशिएटेड। एडवांस सीड में एंडोस्पर्म कम है और एम्ब्रियो बड़ा है और वेल डिफ्रेंशिएटेड। मोनोकॉट एम्ब्रियो जो है वो डाइकॉट से, और आखिर में जो उसका है वो ये है कि मैनी सीडेड फॉलिकल फ्रॉम मल्टीकार्पेट जो है, और एपोकार्पस, ये प्रिमिटिव हैं, और बाकी दूसरे फ्रूट्स जो हैं वो क्या हैं, वो एडवांस है। तो ये तो इसके कुछ क्राइटेरिया थे, आप भी इनको देख लें, और अगर आपको इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो इसको इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसका सिस्टम मुख्तसर तौर पे देखेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह, और इसकी क्लासिफिकेशन सिस्टम के मेरिट्स और डिमेरिट्स देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।